हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल वनिता टैरो गाइडेंस में। हम यहां पर लेके आए हैं आपके लिए एक नई रीडिंग, और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपकी कौन सी विश पूरी होगी बहुत जल्द। ठीक है, आपके मन की कौन सी ऐसी इच्छा है जो बहुत जल्द पूरी होने वाली है, आज की रीडिंग में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। आपको दिखते हैं यहाँ पर दो कार्ड्स। इन दोनों कार्ड्स में से जो भी ऑप्शन आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, उस वाले कार्ड को आप सिलेक्ट करके अपनी रीडिंग को देखेंगे। तो ये कार्ड है ऑप्शन नंबर 1 के लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स, और ऑप्शन नंबर 2 के लिए है सिक्स ऑफ वांड का कार्ड। ये दो कार्ड्स आराम से वीडियो को पॉज करके आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। जब आप सेलेक्ट कर लेंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर आपको टाइम स्टैम्प मिलेगा, क्लिक करके सीधे आप अपनी रीडिंग तक पहुँच सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी जो भी रिक्वेस्ट है, जो भी कमेंट्स है, जो भी सजेशन है, उसे ज़रूर कमेंट सेक्शन में ऐड करिएगा। ओके, एंड दोस्तों ध्यान रखिएगा दैट दिस इज अ जनरल रीडिंग, इट मे रेजोनेट विथ यू, ऑल्सो इट मे नॉट रेजोनेट विथ यू, ये भी हो सकता है। एंड जिन लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कैसे सेलेक्ट करना है, तो आप लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 की रीडिंग को वो लोग देखेंगे जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 1-16 के बीच में, ऑप्शन नंबर 2 को वो लोग देखेंगे जिनकी बर्थ डेट है 17-31 के बीच में। ठीक है, तो जो लोग कार्ड के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करते हैं वो बिल्कुल कार्ड के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, जिन लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है तो आप लोग डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग देखेंगे। आई होप अभी तक आपने अपने ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया होगा। तो चलिए मिलते हैं अभी आपकी रीडिंग में। हेलो ऑप्शन नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने सिलेक्ट किया है इस कार्ड को किंग ऑफ पेंटेकल्स, एंड या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1-16 के बीच में। दिस इज योर रीडिंग। लेट्स सी आपकी कौन सी ऐसी विश है जो बहुत जल्द पूरी होने वाली है। ओके, ऑप्शन नंबर 1, हील का कार्ड है यहां पर, द कार्ड ऑफ स्टार इज हियर, सिक्स ऑफ वांड, बिलीव एंड सक्सेड, वाओ, एम्परर। आपके साइंस यहां पे मुझे हो दिख रहा है, लाइक एक्वेरियस हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, या फिर एरीज की साइन यहां पे मुझे नजर आती है। सो करेंटली जो आपकी एनर्जी दिख रही है थ्रू दिस कार्ड्स, वो ये बता रहे हैं यहां पर आप लोग इस टाइम पे काफी एम्बिशियस हो, इस टाइम पे कुछ क्रिएट करने की एनर्जी में हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप लोग ट्रैवल कर रहे हैं ताकि आप अपने लाइफ में कुछ कर सके। ठीक है, मुझे दिख रहा है लाइक इस ऑप्शन को जिन्होंने भी सेलेक्ट किया है, आपके ज़्यादातर जो विशेस होंगे वो आपके करियर से रिलेटेड हो सकते हैं। ओके, या किसी नए गोल को सर्च करना आपके लाइफ में, अपने पर्पस को सर्च करना, वो भी आपका यहाँ पे कोई विश हो सकता है। आपकी करेंट टाइम फ्रेम में मुझे एक दिख रहा है प्रोग्रेसिव एनर्जी, जहाँ पर आप लोग आगे बढ़ने की पूरी तैयारी में हो, पास्ट में जो भी कुछ हुआ है उससे हील होकर आप लोग अपने लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, नई मुकाम को अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, वो चीज़ मुझे दिखती है, आप अपने लाइफ में शाइन करना चाहते हैं जस्ट लाइक अ स्टार। ओके, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेना चाहते हैं, अपने लाइफ में खुद के बल पे कुछ करना चाहते हैं विद द कार्ड ऑफ एम्परर, वो मुझे नज़र आ रहा है। अपना नाम बनाना हो, अपनी पोजीशन बनाना हो, अपनी कंपनी खड़ी करना हो, या कुछ भी है, बट यस डेफिनेटली आप लोग इस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक लग रहा है जैसे आपके अंदर स्पार्क है कि मुझे इस टाइम पे कुछ करना है, इस साल मुझे कुछ करना है, अपने जीवन में कुछ बड़ा करना है, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा फायर है। ओके, एंड आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज से पीछे नहीं हटते हो, अगर आपकी ऐसी एनर्जी पहले थी बट अभी मुझे नहीं दिख रही। अगर आप लोग किसी हेल्थ इश्यू से गुजर रहे हो, आपकी हेल्थ अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी जिसकी वजह से आप अपने गोल्स के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे थे, देन डेफिनेटली मुझे आपकी हेल्थ में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट नजर आ रहा है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि आपकी वो विश कौन है जो कि पूरी होने वाली है बहुत जल्द। ठीक है, सो लेट्स सी ऑप्शन नंबर 1, यहाँ पर इनोसेंस, बिगनर, इग्नोरेंस, न्यू स्किल विदाउट प्रैक्टिस, अनस्टेबल क्यूरियोसिटी, द नोवाइस का कार्ड यहाँ पे दिख रहा है, एंड वुमेन, फर्टिलिटी, फेमिनिन पावर, फ्रेंडशिप एंड सेक्सुअलिटी का यहाँ पे कार्ड है। द क्वीन की एनर्जी मुझे दिखती है, एंड बॉटम में है क्रिएटिव प्रोजेक्ट। सो ऑप्शन नंबर 1, मुझे सबसे पहली चीज़ यहाँ पे दिख रही है, अगर आपके मन में पता नहीं चल रहा है कि आपको क्या करना है, आपके लाइफ का गोल क्या है, या आपको क्या करना चाहिए इस टाइम पे, ये चीज़ें नहीं है, तो मुझे समवेयर दिख रही है कि आप लोग बहुत जल्द बहुत क्लियर होने वाले अपने लाइफ में कि आपको करना क्या है। ठीक है,
सो हो सकता है आप लोग बहुत जल्द किसी नई एक्टिविटी, किसी नए प्रोजेक्ट में अपने आप को इनरोल्ड पाओगे, या फिर अपने आप को देखोगे कि आप किसी नए काम में इन्वॉल्व हो चुके हो। मे बी ये आपकी विश है जिसको कि आप लोग पूरा करना चाहते हैं। ठीक है, मुझे दिख रहा है यहाँ पर आप लोगों के मन में बहुत इच्छाएं हैं कि मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे ये स्टार्ट करना है। एंड मैंने यहाँ पे कहा था आप लोग किसी नई जर्नी पे जाने को तैयार हैं, एंड यहाँ पर भी वो एनर्जी दिखती है जैसे आप पूरी तरह से रेडी हो, आपने अपना सामान पैक कर लिया है, आपने अपने लिए ड्रेसेस ले ली है, आपके पास एक स्टाफ है जिसके थ्रू आप लोग आगे बढ़ना चाहते हो। ठीक है, तो ये नज़र आ रहा है। ऑल्सो मुझे द क्वीन की एनर्जी बता रही है जैसे बहुत जल्द हो सकता है किसी इंडिवर में आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, हो सकता है आप लोगों ने कुछ सीखा है, कुछ आपके पास नॉलेज है, डिग्री है, बट कोई प्लेटफॉर्म नहीं है आपके पास कि आप उस चीज़ को कहाँ यूटिलाइज करोगे। ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है, तो वो चीज़ यहाँ पर आपके सामने आने वाली है, आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। क्वीन का कार्ड है, यहाँ पर हो सकता है कुछ लोगों को रिलेटेड टू प्रेगनेंसीज एंड चाइल्ड बर्थ वो भी गुड न्यूज़ मिल सकती है। ओके, एंड यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है जैसे कोई सेलिब्रेशन हो ऐसा आप चाहते हो, जैसे किसी की शादी से रिलेटेड हो सकता है वो विश है कि आपके घर में शादी हो रही है और आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हो, ये विश अगर आपकी है तो वो भी पूरी होती हुई मुझे दिख रही है। समहाउ आपके घर पे सेलिब्रेशन होता हुआ मुझे दिख रहा है, एंड डेफिनेटली ये रिलेटेड है इधर चाइल्ड बर्थ से या फिर हो सकता है मैरिज रिलेटेड हो सकती है ये चीज़ें। सो अगर जिन लोगों की यहाँ पे किसी सेलिब्रेशन से रिलेटेड है कि हमारे घर में ये चीज़ें होंगी तो हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, सारे घर पे लोग आएंगे और हम लोग जश्न मनाएंगे, तो वो भी चीज़ें यहाँ पे होने वाली है। सो ऑप्शन नंबर 1 के लिए देखते हैं और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड, सो दोस्तों समवेयर मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग बहुत पावरफुल फील करने वाले हो, अपने गोल्स को लेकर काफी क्लियर होने वाले हो और एक्शन लेते हुए मुझे यहाँ समवेयर दिख रहे हैं, क्योंकि अभी आपको रास्ता समझ में आ चुका है, आपके अंदर वो हिम्मत है। इस लायन पीछे आपको नजर आ रहा है इस कार्ड पे, तो वो स्ट्रेंथ को दिखा रहा है, फोकस को दिखा रहा है, वो चीज आपके अंदर आती हुई दिख रही है। द डेविल का कार्ड है यहाँ पर, कोई भी चीज जो आपको पीछे रोक के रख रही है ना, चाहे वो मेंटली है, चाहे वो कोई भी चीज है, इफ यू कैन सी, उस चीज से आप लोग बाहर निकलने वाले हो और बहुत स्ट्रांग फील करने वाले हैं आप लोग। किसी भी तरह की बेड़िया है, चेन है जो आपको रोकता है, ठीक है, कोई भी पास्ट की एनर्जी है, तो डेफिनेटली आप लोग उससे बाहर निकल के पूरी तरह से हील्ड फील करेंगे। जजमेंट का कार्ड है यहाँ पर, सो फाइनली डेफिनेटली मुझे दिखता है आप लोग परेशान हो किस चीज़ को लेके, वो विश आपकी पूरी हो रही है, इधर रिलेटेड टू मैरिज और मे बी कुछ लोगों के लिए करियर रिलेटेड हो सकता है। टू ऑफ वॉन्ड्स, यस, आप इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो बहुत टाइम से, हो सकता है 2 साल से, 2 महीने से, तो वो चीज़ पूरी होगी, मे बी रिलेटेड टू सम काइंड ऑफ सेलिब्रेशन, कोई सेलिब्रेशन हो रही है आपके घर पे, इस चीज़ का आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, वॉट एल्स वी नीड टू नो, ऑप्शन नंबर 1 को क्या जानने की ज़रूरत है। ट्रस्ट, वाओ, कैन यू सी, यहाँ पे जजमेंट है फिर ट्रस्ट है, तो आपको ट्रस्ट रखना है कि आपकी विश पूरी होगी। मे बी आपको बिल्कुल ट्रस्ट नहीं, आपको भरोसा नहीं है कि आपके साथ भी ये चीज़ें होंगी। आपका पहला कार्ड ही स्टार का कार्ड है और स्टार का कार्ड विश फुलफिलमेंट को बता रहा है, तो आपकी विशेस पूरी होंगी, आपको भरोसा रखना है। ठीक है, डाइव डीप, डीप थिंक करिए। ठीक है, यहाँ पे डाइव डीप का कार्ड है, कुछ चीज़ें अभी आपको अगर सही नहीं दिख रही है, आपकी लाइफ में सही नहीं चल रही है, तो वहाँ पर आपको दिमाग लगाना है, सोचना है, रास्ता निकालना है, घबराना नहीं है और ट्रस्ट रखना है, क्योंकि डिवाइन पावर, भगवान, ईश्वर, जहाँ भी आप लोग मानते हो, वो आपको बता रहे हैं कि आप ट्रस्ट रखोगे तो आपका काम जो है वो अच्छे से होगा और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सो ये है ऑप्शन नंबर 1 आपकी रीडिंग, और हम मिलते हैं दूसरे रीडिंग में। अपना ध्यान रखिए, आपके एक्सपीरियंसेस कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑप्शन नंबर 2, आपने 6 of Wands का कार्ड सेलेक्ट किया है या फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ से सिलेक्ट किया है, दिस इज योर रीडिंग। लेट्स सी आपकी कौन सी विश पूरी होगी बहुत जल्द। ठीक है, आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपके सजेशंस, आपके रिक्वेस्ट, वो सभी कमेंट्स में लिखिए। और अगर आपको पर्सनल लिंक चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू, प्रोफाइल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सक्सेस एंड ग्रोथ, 8 of Wands, मुझे दिख रहा है लाइक ऑप्शन नंबर 2 के ऐसे पर्सन हैं, कुछ लोग ऐसे हैं या हो सकता है आप सभी ऐसे हो जो लिटरली इस टाइम पे किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं,
ठीक है, लाइक कॉन्सियस एफर्ट डाल रहे हो, आप मेडिटेट कर रहे हो या फिर जर्नलिंग कर रहे हो, विजुअलाइज कर रहे हो, इन सभी प्रैक्टिसेस को कर रहे हो ताकि आपकी विश पूरी हो। ठीक है, मुझे वो दिखता है यहाँ पर, लेट मी सी, मूव, यस, मुझे दिख रहा है जैसे कुछ लोग घर खरीदना चाहते हैं या किसी नई जगह पे मूव करना चाहते हैं, ठीक है, या फैमिली के साथ पूरी कहीं शिफ्ट हो रहे हैं। सो यहाँ पे मूव की एनर्जी है, तो कोई मूवमेंट, कोई चेंज आप लोग चाहते हो अपने लाइफ में इस टाइम पे। लीड का कार्ड है, एम्परर का कार्ड है, यस। सो प्रॉपर्टी रिलेटेड हो सकता है यहाँ पर, घर से रिलेटेड हो सकता है, ओके। कुछ लोगों के लिए डिवोर्स सेपरेशन हो सकता है, जो आपकी विश है, ठीक है। किसी चीज़ से मुक्त होना चाहते हैं आप लोग, किसी चीज़ को लेट गो करना चाहते हैं, लाइक कोई पार्टनरशिप हो सकती है जिससे आप लोग बाहर निकलना चाहते हैं, मे बी मैरिज वो हो सकती है या बिजनेस पार्टनरशिप हो सकती है, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। हार्ट चक्र का कार्ड यहाँ पे आया है। सो ये जो भी विश है आपकी, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है आपको, आपके माइंड को, आपकी बॉडी को, आपकी सोल को, ठीक है। तो हो सकता है आप लोग किसी बंधन से भी मुक्त होना चाहते हैं, ये चीज़ यहाँ पे दिखती है। एंड कौन सी ऐसे एफर्ट आप लोग डाल रहे हैं उसको मैनिफेस्ट करने के लिए। बिलीव एंड सक्सीड का कार्ड यहाँ पे नज़र आ रहा है, एंड आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जो भी आपकी विश है इस टाइम पे वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप चाहते हो एनी हाउ ये चीज़ पूरी हो, क्योंकि इस पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है, आपकी हेल्थ हो सकता है काफ़ी इफेक्ट कर रही है इसकी वजह से, ठीक है। आपको काफ़ी सारे ड्रीम्स दिख रहे हैं, काफ़ी सारे साइंस दिख रहे हैं, एंड हो सकता है आपने इस चीज़ के लिए बहुत सारी रीडिंग्स भी ली है, टैरो कार्ड रीडिंग्स ली है या एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस करवाई है इससे रिलेटेड। यहाँ पे हील का कार्ड बार बार आ रहा है। सो ये चीज़, ये विश आपकी किसी और से रिलेटेड भी हो सकती है, मतलब कि किसी और की खुशी इस पर डिपेंड है, वो भी हो सकता है यहाँ पर। लेट मी सी मोर, आई थिंक आई शुड यूज दिस वन। यहाँ पे चैरियट का कार्ड मुझे बता रहा है, आप लोग कैंसर हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकते हैं, ठीक है। आपके लिए अप्रैल, जुलाई, अगस्त का महीना इम्पोर्टेंट हो सकता है। लेट मी सी आपकी कौन सी विश है जो पूरी हो रही है। क्रिएटिव प्रोजेक्ट एंड द किंग, यहाँ पर भी एम्परर है, यहाँ पे किंग है, मेन एंड मेल एनर्जी है यहाँ पर, पर्टेनिंग टू द लॉ एंड जस्टिस। यहाँ पर ऑप्शन नंबर टू हो सकता है कुछ लोगों के लिए, आपके फैमिली मैटर हो सकते हैं, ठीक है। फैमिली में कोई इशू है, आपके पार्टनर के साथ कोई इशू है, ठीक है, वो चीज़ हो सकती है। एंड विद द कार्ड ऑफ क्रिएटिव प्रोजेक्ट फॉर सम ऑफ यू, हो सकता है किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को आप लोग हासिल करना चाहते हो कि ये काम मुझे मिल जाए, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, किसी के साथ हो सकता है कोलैबोरेट करना है। सो समहाउ ये क्रिएटिव प्रोजेक्ट मुझे बता रहा है, जैसे कोई काम है, कोई प्रोजेक्ट है जिसको आप लोग हासिल करना चाहते हो, या कुछ लोग किसी तरह की पोजीशन को पाना चाहते हैं, तो वो भी यहाँ पे पॉसिबल, ये विश आपकी पूरी होते हुए दिख रही है। किसी टीम के लीडर आप लोग बनना चाहते हैं, वो विश आपकी पूरी होते हुए मुझे समहाउ यहाँ पे नजर आ रही है। सो आई हैव टू कार्ड्स, फियर एंड फोकस। आपको बहुत का डर है, ठीक है, यहाँ पे किसी चीज़ का खोने का डर आपके मन में हो सकता है। आपका सारा ध्यान यहाँ पे मुझे दिख रहा है डर के ऊपर है, आपको लग रहा है विन और लूज, डू और डाई वाली सिचुएशन, ठीक है। आप लोग घबराए हुए हो, आपको लग रहा है कि ये चीज़ अगर पूरी नहीं होती है, आपके मन के मुताबिक नहीं होती है, तो आपके लाइफ में जैसे सब कुछ बिगड़ जाएगा। बट ये फैक्ट नहीं है, ये रियलिटी नहीं है। कोई एक चीज़ अगर लाइफ में बिगड़ती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि लाइफ पूरी खत्म हो गई। लाइफ हमेशा चेंज होती है, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ लेके आती है। आपका काम किस तरीके से बनेगा ये आपको भी नहीं पता होता है, और जब बनता है आपकी विशेष जिस रास्ते से पूरी होती है और वो आप देखते हो, तो आपको पता चलता है कि ऐसे तो मैंने सोचा भी नहीं था, ठीक है। तो आपको ये भरोसा रखना है कि आपके ऊपर एक हायर इंटेलिजेंस है, जिसके बारे में आप अनुमान भी नहीं लगा सकते कि वो किस तरीके से आपके काम को बनाएगी, और वो आपके काम बनाती है। मे बी आपको इंतज़ार करवा रहे हैं या परेशानियाँ देख रहे हो, बट आप का अगर ट्रस्ट है और अगर आप सही हो, डेफिनेटली आपकी चीज़ें बन जाती हैं। यहाँ पर है एब्सोल्यूट ट्रूथ, करेज, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके। समहाउ मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोग अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको उठाना चाहते हैं, ओके। कोई कस्टडी है या कोई लीडरशिप है, तो आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने जा रही है, और आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिल से चाहते हो कि आपको वो मिले, ठीक है। एंड यहाँ पे हो सकता है कुछ लोग रिकॉन्सिलिएशन का वेट कर रहे हैं, आपकी रिकॉन्सिलिएशन हो जाए,
तो आपकी जो भी विश है ऑप्शन नंबर टू वो पूरी होगी, आपको सक्सेस मिलेगी आपके मेहनत में। सन का कार्ड है, सन का कार्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड है। ओके, आप फाइनली फ्री फील कर रहे हो किसी बोझ से, किसी टॉक्सिसिटी से, एंड बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स एक फ्रीडम की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। हो सकता है आपको किसी चीज़ से फ्रीडम चाहिए, ठीक है, हो सकता है आपके नेगेटिव थिंकिंग के कारण आप लोग बंधे हो, सो वो चीज़ यहाँ पे आ रही है विद द कार्ड ऑफ पेज ऑफ सोर्ड। कोई इस ऑप्शन को, ऑप्शन नंबर टू, आप लोगों को कुछ सिखाया जा रहा है, कुछ लेसन्स दिखाए जा रहे हैं। आपकी जो भी यहाँ पे सिचुएशन है वहाँ पर आपको कुछ सीखना है। हो सकता है आप इस टाइम पे वो चीज़ सीखने से डिनाई कर रहे हो, डिनाइल मोड में हो, तो आपको एक्सेप्ट करना है। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे आप हो सकता है उस साइकिल में फंसे रहो, ठीक है। टू ऑफ कप्स रिकॉन्सिलिएशन डेफिनेटली यहाँ पर है, कुछ चीज़ें हैं आप सीख रहे हो, और नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आने वाला टाइम आपके लिए अच्छा होने वाला है, प्रोग्रेस देखने वाले हो, एक मूवमेंट देखने वाले हो, रिकॉन्सिलिएशन की एनर्जी डेफिनेटली रहने वाली है। कोई पर्सन आपको अप्रोच कर सकता है, ये अगर आपकी विश है तो वो पूरी हो रही है। अगर आप लोग मेडिटेट कर रहे हो, आप लोग अगर कोई एफर्ट डाल रहे हो, विजुलाइज कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो लिटरली, तो आप लोग डेफिनेटली वो चीज़ अचीव करोगे, ठीक है। लेट मी सी मोर, री एनर्जाइज का कार्ड है, फ्रेंडशिप। सो ऑप्शन नंबर टू, अगर आपने पूरी तरह से किसी चीज़ का होप खो दिया है और आपके मन में बहुत, कैन यू सी यहाँ पे एक्सेप्टेंस का मैसेज है, तो आपको किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना है। मे बी येस, डेफिनेटली मुझे दिख रहा है आप लोग किसी चीज़ को लेके डिनायल के मूड में हो। आप उसको एक्सेप्ट करिए क्योंकि वहाँ पे आपके लिए कोई लेसन है जो छुपा हुआ है। ओके, कोई चीज़ अगर आपकी लाइफ में ऐसी घटना घट गई है या कोई ऐसी चीज़ हो गई है और आपको लग रहा है जैसे आप इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आप इसको बदलना चाहते हो, तो आपको उसको बदलने की कोशिश नहीं करना है, आपको एक्सेप्ट कर लेना है जैसी कि वो है, ठीक है। तो जब आप ये करते हो तो आपके अंदर एक उत्साह या फिर आपके अंदर एक पॉजिटिविटी फ्लो होगी, आपको समझ आएगा कि आप इसको बदल नहीं सकते, और तभी वहीं से एक मैजिक जो है वो आपके लिए स्टार्ट होगा। क्योंकि आपने अभी सरेंडर कर दिया, आप हाथ पैर नहीं मार रहे हो, आप इंतज़ार कर रहे हो कि हायर इंटेलिजेंस किस तरीके से उस चीज़ को पूरा कर रही है। कॉन्टेम्पलेशन का कार्ड है, अपने ऊपर वर्क करिए, अपनी हेल्थ के ऊपर वर्क करिए और अपना फोकस अपने ऊपर रखिए। इंतज़ार करना है आपके लिए थोड़ा, ठीक है, आप इंतज़ार करिए और जो इंतज़ार कर रहे हो उसका फल आपको बहुत मीठा मिलेगा। द कार्ड ऑफ ब्लेसिंग इज एट द बॉटम, ठीक है, तो ब्लेसिंग है यहाँ पर। पॉजिटिव फील करिए, आपकी फीलिंग्स जो है वो एक तरह की सिग्नल है, यूनिवर्स को जाती है। जैसा आप फील करते हैं वैसी चीज़ें आप लोग अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा फील करते हैं अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और अब बुरी, हमेशा अगर आप बुरा आपके मन में बात आ रहा है या बुरी फीलिंग्स है तो आप समझिए कि उस तरह की एनर्जीज आप बाहर रेडिएट कर रहे हो और वो चीज़ आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर टू, तो कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर ध्यान रखें, होपफुल रहिए। ऐसा नहीं कि हर टाइम आप खुश रह सकते हो या हर टाइम आपके मन में पॉजिटिविटी फ्लो कर रही है, लेकिन हाँ ये चीज़ आप कर सकते हो कि आप होपफुल हैं कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम है, मुझे तकलीफ हो रही है, बट इससे मैं बाहर निकल जाऊंगा, ठीक है। इवेंचुअली आप उससे बाहर निकल जाएंगे, ये चीज़ आपको मन में रखनी है, डर को जगह नहीं बनाने देना है, ठीक है। तो ये है, सो ऑप्शन नंबर टू, आपकी रीडिंग यहाँ पे खत्म हुई है। आई होप रीडिंग आपको अच्छी लगी है, आपके साथ रेजोनेट हुई है, मुझे बताइए ज़रूर, और हम मिलते हैं दूसरी रीडिंग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।